कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया, ट्वीट किया कि बिना प्लानिंग के लगाया गया लॉकडाउन आज तक लोगों को डरा रहा है। उन लाखों परिवारों को सहानुभूति जिन्हें इसकी सजा मिली है। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में सामने आए कई मामले, 155 मरीजों की गई जान, तो वही देश में अब भी 2,68,000 से ज्यादा केसेस एक्टिव। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र और एमपी के बीच अंतर्राज्यीय बस सेवा पर 31 मार्च तक के लिए अस्थायी रोक लगा दी गई है। बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, जबकि सूरत में मॉल बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा में 24 घंटे में 633 नए केस मिले हैं, 6 मरीजों की जान गई है। कैथल में एक दिन में 3 मरीजों ने जान गंवा दी। गुरुग्राम और फरीदाबाद में केस बढ़ने लगे हैं। आंदोलन पर बैठे किसान युवा दिवस मना रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर 115 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। 26 मार्च को किसान देशभर में भारत बंद का आह्वान कर चुके हैं। केजरीवाल 4 अप्रैल को जींद में किसान पंचायत करने वाले हैं। चरखी दादरी के जनस्वास्थ्य विभाग कार्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद मंडल लेखाकार को सस्पेंड करने की मांग की गई। दरअसल वीडियो में एक ठेकेदार विभाग में काम करने वाले मंडल लेखाकार से बात करने के बाद उसके मेज में नकदी रखते हुए नजर आ रहा था। उचाना कस्बे में 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की तेज धार हथियार से हत्या की गई। बुजुर्ग महिला का शव एक कमरे में लहूलुहान हालत में मिला। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। कैथल में 15 महीनों में 17 डेड बॉडी मिली, लेकिन किसी की शिनाख्त नहीं हो पाई है और ना ही हथियारों का कोई सुराग मिल पाया। कैथल में स्नैचिंग की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। बदमाशों ने युवती से मोबाइल छीना, लेकिन मौके पर लोगों ने 2 आरोपियों को दबोच लिया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। फरीदाबाद में एक व्यक्ति की मौत सवालों के घेरे में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शराब पीने के बाद उसकी मौत हो गई। दरअसल बड़खल झील के पास उसकी डेड बॉडी मिली है। पास ही में युवक की ज्वेलरी शॉप है। देर रात वो बड़खल के सरकारी होटल में शराब पीने पहुंचा था और जैसे ही बाहर निकला उसकी जान चली गई।